आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का क्या टैलेंट है कि वो राहुल गांधी से जुड़ी किसी भी तस्वीर किसी भी वीडियो पर अश्लील और वाहियात टिप्पणी कर सकते हैं। एक वीडियो सामने उभर कर आया दोस्तों, और यह आंध्र प्रदेश का वीडियो है आपके सामने। ये बुजुर्ग महिला उनसे मिल रही है। बुजुर्ग महिला पहले उनके कंधों पर हाथ रखती है और फिर अपना सिर जो है उनके कंधों पर रख देती है। राहुल गांधी अपने हाथों से उनके सफेद बालों को सहलाते हैं। वो औरत फिर उनके एक गाल को चूमती है और फिर दूसरे गाल को चूमती है और अपना आशीर्वाद राहुल गांधी को देती है। मगर मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों अगर भारतीय जनता पार्टी इस वीडियो पर भी कोई अश्लील टिप्पणी करे। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक तौर पर कितनी सफल होगी मैं नहीं जानता हूं। हालांकि राहुल गांधी ये कहते रहते हैं कि इसका मकसद राजनीतिक नहीं है। हकीकत यह है कि इसका मकसद कांग्रेस का उत्थान है, उसे पुनर्जीवित करना है। यह एक हकीकत है जो राहुल गांधी बेशक ना स्वीकारें, मगर उनकी इस यात्रा के जरिए कई ऐसी तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं जो लोगों के मन में जगह बना रही हैं। ढेरों ऐसी तस्वीरें दोस्तों आपके सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त, और इस बुजुर्ग महिला के साथ जो उनकी मुलाकात की तस्वीर है वो बहुत जोरों से वायरल हो रही है। तमाम न्यूज चैनल्स पर सवाल कर रहे हैं, मगर मेरा सवाल देश की महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी से, जो कोई मौका नहीं छोड़ती राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए। आपको याद होगा ये यात्रा शुरू हुई थी तब अपने वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाला जो सीरियल था, उस बिल्कुल अंदाजे बयां में सामने आई और कहा कि राहुल गांधी ने जब ये यात्रा शुरू की तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद का अपमान किया, उन्होंने स्वामी विवेकानंद के सामने सिर नहीं झुकाया। और फिर वो वीडियो सामने उभर कर आया था जिससे स्मृति ईरानी के झूठ का पर्दाफाश हुआ। मगर स्मृति ईरानी जी, मेरा आपसे सवाल, आप जब राहुल गांधी पर तमाम अनर्गल बयान दे ही रही हैं तो इस वीडियो पर आपका क्या कहना है बताइए। मुझे आपके और आपकी पार्टी की प्रतिभा पर कोई शक नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि संबित पात्रा हों, गौरव भाटिया हों, प्रेम शुक्ला हों, ये तमाम लोग इस पर भी कोई अश्लील टिप्पणी कर सकते हैं। आपको याद है ना संबित पात्रा, ये तस्वीर सामने उभर कर आई थी, एक छोटी सी लड़की का हाथ पकड़कर राहुल गांधी चल रहे थे और संबित पात्रा को इसमें भी धार्मिक तुष्टिकरण नजर आ गया था। जब राहुल गांधी ने इस लड़की को गले लगाया था तब इनके पूरे प्रचार तंत्र ने दो बातें कही थी। पहला तो झूठ यह कहा कि यह वो लड़की है जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जबकि यह वो लड़की नहीं थी। दूसरी बात, इनकी महिला मोर्चा की नेता ने यह कहा था कि राहुल गांधी लड़कियों को ऐसे झपट क्यों पड़ते हैं। फिर से यह तस्वीर देखिए दोस्तों, क्या किसी भी एंगल से यह झपट पड़ने वाली तस्वीर आपको दिखाई दे रही है? अब फिर से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं जहां एक बुजुर्ग महिला राहुल गांधी को अपना आशीर्वाद दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में यह प्रतिभा है कि वो इस पर भी अश्लील टिप्पणी कर सकते हैं। आपको याद होगा इनके पार्टी का नेता है तमिलनाडु में सीटी निर्मल कुमार, राहुल गांधी अपनी भांजी की मेहंदी देख रहे थे और उस पर भी इन्होंने एक अनर्गल बयान दिया था। जी हां, राहुल गांधी जहां जहां से गुजर रहे हैं ऐसी ढेरों तस्वीरें उभर कर आ रही हैं। दक्षिण भारत में खासकर लोग उनमें बेतहाशा उम्मीद देख रहे हैं। यह वीडियो देखिए दोस्तों, ये लड़की अचानक राहुल गांधी के साथ आती है और किस तरह से फट पड़ती है, बिल्कुल उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। ऐसी ढेरों तस्वीरें उभर कर आ रही हैं। आज स्मृति ईरानी को मैंने उस वीडियो को लेकर तो निमंत्रण दिया ही है, मगर महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री होने के नाते मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। स्मृति जी, ये बलात्कारी और हत्यारा राम रहीम जेल से रिहा हो गया है, सत्संग कर रहा है। आप जानती हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता इनके सत्संग में शामिल हुए। बीजेपी के एक मेयर हैं करनाल की, उन्होंने इन्हें पिताजी तक कहा। उन्होंने कहा कि पिताजी हम आपके काम को आगे बढ़ाते रहेंगे, आपका आशीर्वाद मिलता रहा। तो एक व्यक्ति जिस पर बलात्कार का आरोप नहीं बलात्कार का गुनाह साबित हुआ है, जिसे 20 साल की सजा मिली है, उससे बीजेपी अपना पिताजी बता रही है। बीजेपी की नेता अपना पिताजी बता रही है। मैं जानना चाहता हूं क्यों।
खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो कि वाकई शर्मनाक है। और मैं चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी आप इस मुद्दे पर कहें, क्योंकि देखिए आप तमाम बातों पर अपनी टिप्पणी करते हैं मगर जो असली बातें होती हैं उस पर आप पूरी तरह से खामोश बनी रहती हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि दरअसल कहा क्या है। मेयर रेणु बाला गुप्ता ने राम रहीम से फोन पर बात करते हुए कहा, दरअसल उनका जो सत्संग था वो ऑनलाइन था, उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन्स पर, पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे, पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का संदेश जो आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं और सबको आशीर्वाद दें। दरअसल करनाल नगर निगम की मेयर रेणु बाला गुप्ता ने तो पिताजी बताया ही राम रहीम को, इसके अलावा वहां पर बीजेपी जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा मौजूद थे, डेप्यूटी मेयर नवीन कुमार मौजूद थे, सीनियर डेप्यूटी मेयर राजेश कुमार भी मौजूद थे, जैसा कि आज तक की यह खबर कह रही है, जो अपने आप में वाकई शर्मनाक बात है दोस्तों। तो मैं पूछना चाहता हूं स्मृति ईरानी जी से, स्मृति जी इस पर कोई टिप्पणी कीजिएगा। एक आदमी जिस पर नृशंस दुष्कर्म का आरोप सिद्ध हो गया है वो बाहर है, खुलेआम घूम रहा है, आपका क्या कहना है? या चलिए अगर आप उस पर कुछ नहीं कह सकते तो कम से कम बिल्किस बानो पर कुछ कह दीजिए ना। आपकी अपनी सरकार ने सीआरपीसी के सेक्शन 435 का इस्तेमाल करके इन 11 लोगों को रिहा किया है, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। स्मृति जी बिल्किस एक औरत है, स्मृति जी राम रहीम की शिकार वो दो औरतें जिनकी गवाही पर उसे 20 साल की सजा मिली थी वो भी महिलाएं हैं। कुछ बोलिए स्मृति जी, या आप राहुल गांधी जो इस बुजुर्ग महिला से मुलाकात कर रहे हैं इसी पर अपनी टिप्पणी रखेंगे, बताइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अभी स्मृति ईरानी जी का स्वामी विवेकानंद को लेकर झूठ पकड़ा गया था वो खामोश हैं, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक दो हफ्ते में या हो सकता है और जल्दी वो राहुल गांधी पर कोई टिप्पणी करें। स्मृति जी आप देश की महिला बाल विकास कल्याण मंत्री हैं, आपको मैं एक और खबर देना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह है, सना इरशाद मट्टू कश्मीर की लड़की है, फोटोग्राफर है, आप जानते हैं इसे पत्रकारिता की दुनिया का सबसे ऊंचा सम्मान मिला, पुलित्जर प्राइज, मगर जब वो अमेरिका जा रही थी तो उसे जाने नहीं दिया गया। आपके सामने सना इरशाद मट्टू का यह ट्वीट जिसमें शिकायत कर रही है, एक बेटी ने देश का नाम रोशन किया है मगर इस सरकार का दिल इतना छोटा है कि वो अपना सम्मान लेने जा रही थी, पुलित्जर लेने जा रही थी, इन्होंने जाने ही नहीं दिया। एक तरफ आप ये कहते हैं कि कश्मीर को मुख्य धारा में लाने की जरूरत है और दूसरी तरफ आप दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर दुनिया कश्मीर की किसी लड़की को सम्मानित करती है तो आप खामोश रहते हैं, देश की महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री खामोश रहती हैं। बताइए इससे ज्यादा वाहियात बात क्या हो सकती है। ऐसा करके मोदी सरकार कहीं ना कहीं कश्मीर के मुद्दे पर हमारे पक्ष को कमजोर कर रही है। अरे पाकिस्तान के कश्मीर में, यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तो डेमोक्रेसी ही नहीं है, मगर आप क्या कर रहे हैं, आप उस विरासत को क्यों रौंद रहे हैं, उस हीलिंग टच को क्यों रौंद रहे हैं जिसकी शुरुआत स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। आप ऐसा करके आप सना इरशाद मट्टू को रोक के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा को जो है ठेस पहुंचा रहे हैं, आज उन्हें तकलीफ हो रही होगी अगर वो ये सब देख रहे होंगे, कितने शर्म की बात है। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात इन तीनों मुद्दों पर स्मृति ईरानी की खामोशी। अरे कुछ बोलिए स्मृति जी, अब तो ये प्रमाण भी सामने उभर कर आ गया है कि आपके पति की जो कंपनी है उसका सीधा ताल्लुक सिली सोल्स कैफे के साथ है। अब तक आप कह रही थी कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, आपके पति का बाकायदा एक आरटीआई के जरिए यह बात सामने आई है कि उनके ताल्लुकात हैं, आप अब भी खामोश हैं। उस वक्त बहुत नाराज होकर आप सामने आई थी, दंदना दिया था बिल्कुल आपने। वाकई दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की प्रतिभा का क्या कहना, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले एक या दो दिनों में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, राहुल गांधी पर इनका एक और अश्लील या वाहियात बयान आने ही वाला है। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।